बाबर आजम ने PSL में गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी स्कोर की, जबकि बाबर आजम की वालदा पहली मरतबा बाबर आजम को सपोर्ट करने और खेलता देखने ग्राउंड आई हुई थी। लेकिन बाबर आजम को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उनकी वालदा ने भी उनकी इस शानदार सेंचुरी को स्टेडियम में ही बैठकर देखा है। बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब आखिरी ओवर में ऊपर देखा तो सामने उनकी वालदा भी ये मैच देख रही थी और वालदा को देखकर वो मैच भूल गए और कहा कि बस पैसे पूरे हो गए। आखिरी ओवर चल रहा था, मुझे नजर आया एकदम कि भाई वालदा भी आई हुई है, तो वो कभी आती नहीं है मैच पे, तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम होगा कि वो ग्राउंड में जो है वो मैच देखने आई है मेरा, तो मेरे लिए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे वो सारा कुछ भूल गया, जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा मेरे पैसे पूरे हो गए। आखिरी ओवर में जब बाबर आजम बाउंड्री पर फील्डिंग करने आए तो इनके पीछे स्टैंड्स में इनके भाई और वालदा इन्हें चीयर्स कर रहे थे। इस दौरान बाबर आजम की वालदा काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी और उन्होंने हाथ हिलाकर बाबर आजम को सरप्राइज दिया कि वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में ही मौजूद है, जबकि इसी दौरान बाबर आजम की टीम ये मैच भी जीत जाती है, जिससे बाबर आजम की वालदा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। मैच के बाद बाबर आजम अपनी वालदा को नीचे ग्राउंड में अपने पास बुला लेते हैं और वालदा को गले मिलते हैं और अपनी सेंचुरी भी अपनी वालदा को ही डेडिकेट कर देते हैं।